हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं सेफएक्स गेमिंग। तो आज की ये वीडियो टिप्स एंड ट्रिक्स की होने वाली है। तो हम चलते हैं अपनी पहली ट्रिक की ओर। तो हमारी पहली जो ट्रिक है वो इन्फेक्शन मोड की है। इन्फेक्शन मोड में आपको सी ब्लॉक के पास यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद इस एरिया पे जंप करके बैठ जाना है। बस फिर आपको काउंटडाउन खत्म होने का इंतजार करना है और फिर यहाँ पे कोई भी आपको इन्फेक्ट नहीं कर सकता। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये ज़ॉम्बी मेरे पास आता है, मुझे इन्फेक्ट करने की कोशिश करता है पर इन्फेक्ट नहीं कर पाता है। ये मेरे पूरे रिलोड में ख़त्म हो जाता है ज़ॉम्बी, क्योंकि ग्लिच है यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई भी आ नहीं सकता है और हो सकता है आप ग्लिच की मदद से पीछे वॉल में भी घुस जाओ, क्योंकि यहाँ पे पीछे वॉल भी मतलब ग्लिच होता है, जिसकी वजह से आप इस वॉल के पीछे भी जा सकते हो। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं इस बड़े वाले ज़ॉम्बी को भी आराम से डैमेज दे पा रहा हूँ यहाँ से, और मैं कुछ देर बाद डिफेंडर भी बन जाता हूँ क्योंकि सब लोग इन्फेक्ट हो चुके होते हैं। और ये देखो अभी मेरे पास नहीं आ पा रहा है, चाहे जितनी दूर खड़े हो जाएं चाहे जितने पास आ जाएं, मुझे बिल्कुल भी इन्फेक्ट नहीं कर सकते हैं ये लोग, और आराम से मैं बाहर डैमेज भी कर सकता हूँ। पर ये ट्रिक आपको डिफेंडर बने रहने तक के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि जोन जो है कभी भी यहाँ नहीं बनता है, तो आपको यहाँ से बाहर जाना ही पड़ेगा। तो अब हम चलते हैं भाई दूसरी ट्रिक की ओर। तो ये ट्रिक यहाँ पे है, ये ट्रिक आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाके देख लेना। और इस ट्रिक में बस आपको यहाँ पे आके बैठना है, यहाँ से आके आपको बस फायर बटन पे क्लिक करना है। ज़ॉम्बीज आते जाएंगे, एक एक करके मरते जाएंगे, जैसे कि ये ज़ॉम्बी आया और तुरंत मर गया। आप इस ट्रिक के थ्रू बड़े वाले ज़ॉम्बीज को भी आराम से मार सकते हैं, यहाँ पे आपको मारने में प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे एक एक करके सारे ज़ॉम्बीज को आप अकेले मार सकते हो, अगर सबके सारे ज़ॉम्बीज एक साथ ना घुसें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे जैसे कि बड़ा वाला ज़ॉम्बी आता है, मैं उसको डैमेज करता हूँ और ये भी मर जाता है, उसके पीछे वाला भी मर जाता है, उसके ऊपर एक बैठा होता है लास्ट सेकंड लास्ट ज़ॉम्बी, मैं उसको भी आराम से मार देता हूँ। और आपने देखा आपके सामने ही मैंने यहाँ पे 8 किल कर दिए। तो आप जान ही गए होंगे ये ट्रिक हमारे लिए कितनी यूज़फुल है। और जो मैं ग्लिच की बात कर रहा था वो ये ग्लिच है, आप इस उस ग्लिच के थ्रू कभी कभार यहाँ पे अंदर भी आ सकते हो। यहाँ से बाहर निकलना भी बहुत आसान है, पर आप यहाँ सामने की तरफ से कहीं से भी बाहर नहीं जा सकते हो। बस एक ही रास्ता है बाहर जाने का, वो है साइड से पीछे एक ही तरफ, जहाँ से मैं आपको अभी निकल के दिखा देता हूँ। तो आपको यहाँ आना है, यहाँ पे इनके बीच से ऐसे निकल जाना है बाहर। तो अब हम चलते हैं हमारी थर्ड ट्रिक की ओर। तो बेसिकली ये हमारी थर्ड ट्रिक नहीं टिप है, जिसमें आपको जो बूस्टर है वो यहाँ पे आके सेंटर से बूस्टर लेना है, क्योंकि जब भी आप वहाँ खड़े होते हैं तो आपको डिफेंडर्स आके मार देते हैं। तो आपको इस साइड आना है, बिल्कुल सेंटर में खड़े होके बूस्टर को आराम से ले लेना है, जिसकी वजह से डिफेंडर्स आपको मार नहीं पाएंगे। तो जो हमारी फोर्थ ट्रिक है वो है रेंगल में, यहाँ पे घटका के पास। तो इस जगह पे आपको आ जाना है और यहाँ पे आने के बाद जो सामने बॉक्सेस रखे हैं उसके ऊपर चढ़ना है, फिर ये सामने वाले बॉक्स पे जंप करना है और फिर साइड में यहाँ आके यहाँ से एक और जंप करना है। लेज ग्रिप के थ्रू जब आप यहाँ पे चढ़ जाओगे तो आप यहाँ के यहाँ पे जो अंदर एनिमीज होंगे उनको आराम से मार सकते हो, और चाहो तो यहाँ ऊपर भी चढ़ सकते हो। तो जो हमारी फिफ्थ ट्रिक है वो है लिवेक में। तो लिवेक में आपको यहाँ आना है, यहाँ पे फिर जंप करना है। जंप करने के बाद आपको सीधे जाके एक बार और जंप करना है, तो आप यहाँ पे आ जाओगे छत के ऊपर। फिर यहाँ से आप बंदे मार सकते हो, किसी को भी पता नहीं चलेगा आप कहाँ पे हो, और यहाँ से आप पूरी स्क्वाड अकेले वाइप कर सकते हो। और फिर अगर आप चाहो तो यहाँ से सामने जंप करके आप सामने वाले घर पे भी जा सकते हो।